है 1500 की। क्या जी बड़ी है ये? मलेर कोटला से आगे गाँव है। जाओगे करनाल? पब्लिक रिएक्शन देख लो भाई। हाँ जी चलो चलो साथ में। बस जी धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। थोड़ी सी लाइटिंग हो गई है और ये करनाल का लास्ट द्वार है, इसको क्रॉस करके हम चल पड़े हैं आज एक नए ट्रिप की तैयारी पर। यह स्वामी विवेकानंद द्वार। विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि जो अपना हेलमेट है उसका जो मिरर है वो पहले ही पिछली राइड में टूट चुका था, आप लोगों ने सब देखा भी था। तो थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा अगर वीडियो बना रहा हूँ। और आज मेरी राइड है लगभग कोई 200 किलोमीटर की। बाइक अपने पास है डिस्कवर। किस लिए कर रहा हूँ राइड, क्यों डिस्कवर पे जा रहा हूँ, अपने डोमनार पे क्यों जा रहा हूँ, तो उसका आप लोगों को आगे जाके पता लग ही जाएगा। 200 किलोमीटर की राइड है और हमने करनाल क्रॉस कर दिया, अभी 6 बज चुके हैं। मान के चलो कि मेरे को 4 घंटे और तो लग ही जाएंगे, 10 बजे के आसपास हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है। और अपनी डोमनार पे आज मैं जा रहा हूँ, आज मैं अपनी डिस्कवर पे जा रहा हूँ, डोमनार पे नहीं जा रहा। और डिस्कवर पे क्यों जा रहा हूँ वो आगे जाके आप लोगों को पता लग ही जाएगा। थोड़ा सा विंड ब्लास्ट भी आ रहा होगा क्योंकि अपने जो हेलमेट है उसका मिरर पिछले जो राइड थी उसमें टूट गया था और नया मैंने अब तक उसके अंदर लगवाया नहीं है। क्या जबरदस्त फ्लाईओवर बना रखा है यार, ये तो मैंने अभी देखा है, देखो क्या जबरदस्त है। इस पर भी शायद कोई टोल ना हो, दो दो नदी है, पहले ये ऐसा नहीं था, अभी इसको चेंज करके अच्छा बना दिया है। तो अभी थोड़ी सी मेरे को ठंड भी लग रही है क्योंकि मैंने टी शर्ट डाल रखी है, राइडिंग जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं डाला। और खेतों में देखो हल्की हल्की धूंध है क्योंकि कल भी बारिश हुई है, काफ़ी अच्छी बारिश हुई है कल भी, क्योंकि जीरियों में तो नुकसान है ही है भाई, बारिश जो हो रही है देखो ये सारी जीरी गिरी हुई है। यहाँ आकर तो सर्दियों का एहसास हो रहा है, पूरा कोहरा ही कोहरा है देखो। और व्यू जबरदस्त आ रहा है देखने में, जैसा व्यू पहाड़ों में आता है ना ऐसे ही व्यू आ रहा है, ऐसे कोहरा आ जाता है, बस पहाड़ नहीं है, ग्रीनरी भी ठीक ठाक है। ये देखो एक नया एक्सप्रेस वे है जो नारनौल को सीधा अम्बाला से जोड़ता है, अम्बाला चंडीगढ़ और शायद ये अमृतसर तक का है। ये नया हाईवे है, नहीं ये शायद अम्बाला तक का ही है, ये अम्बाला जाएगा, इधर आप जीन नारनो निकल जाओगे और इधर जाओगे तो आप अम्बाला निकल जाओगे। काफ़ी अच्छा है ये, दिल्ली से ऊपर ऊपर ऐसे निकाल दिया पूरा और कई घंटे बच गए हैं अम्बाला तक पहुंचने में। तो पहुंच गए हैं यहाँ से, ये छोटा सा टेम्परेरी ब्रिज बना रखा है रास्ता क्रॉस करने के लिए क्योंकि उस सामने से ब्रिज बना है। तो ये क्रॉस करके और सीधा पटियाला, जो लोग यहाँ से कोई 50 किलोमीटर है। और मेरे साथ एक भाई यहाँ से बैठ लिए, मैं चल बैठ लिया भाई, किराया आधा ले लूँगा तेरे से। थोड़ा सा रास्ता गलत चल पड़े थे क्योंकि जो भाई बैठा था उसको भी पता था यार, भी आ रही था उसको भी ज़्यादा पता था, वो अगर यही जाएगा तो मैंने यहाँ तो यहाँ पे तो पूछ ही लिया कि महा भाई ये रास्ता जाएगा, क्योंकि ये रास्ता जा रहा सीधा चंडीगढ़ जो एक्सप्रेस वे है और वो जाएगा उस साइड से। तो अभी थोड़ा सा वापसी जा रही है, 3-4 किलोमीटर का हेर फेर हो गया है। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो चलो अपने असली वाले रास्ते पकड़ते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ एकदम से हाईवे कैसे आ गया, वो भी एक्सप्रेस वे, ये तो बात कुछ हजम नहीं हुई। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग में शक गया और वहाँ पर मैंने पूछ लिया तो ठीक किया, अगर नहीं पूछता तो वो तो ज़्यादा लंबा चला जाता, फिर कहाँ चंडीगढ़ कहाँ अम्बाला। पे बिल्कुल साथ में MP स्कूल है, उसके बिल्कुल सामने से रास्ता जा रहा है ये देखो पटियाला का। तो हमें जाना था यहाँ से और हम चले गए थे सीधे, ये रास्ता है पटियाला यहाँ से 47 किलोमीटर है और लुधियाना यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो ये रास्ता जाएगा लगभग लगभग कोई 47 किलोमीटर जाना है। पहले बीच में आएगा शायद जी का तो बीच में वो लगभग कोई 20 से 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर होगा ज़्यादा। तो मेरे को बार बार बोलना ही पड़ता है,
जब लोगों से पूछते हैं ना कि क्या विकास हुआ हरियाणा में, कह रहा रोड बने हैं यार। रोडों से विकास नहीं होता, रोड भी वो बने हैं जहाँ पे टोल टैक्स लगे हुए हैं। अब ये देख लो, क्या ये जगह हरियाणा के अंदर नहीं आती क्या? पेवाची का ये हरियाणा में नहीं है? ये रोड की कंडीशन आप देख सकते हो कि क्या रोड की कंडीशन है यहाँ पे। क्यों नहीं भाई? क्योंकि यहाँ पे टोल नहीं है। आज यहाँ पे एक टोल लगा दिया जाए, ये रोड देख लेना आपकी नजर जबरदस्त हो जाएगा। तो जो गांव से गांव को कनेक्ट करते हैं, अब लोग बोलते हैं कि दिल्ली से जयपुर चले जाओ, चले जाओ। हमें हर रोज जयपुर थोड़ी जाना है, हमें तो अपने आसपास के गांव में जाना है। तो वो रोड हमें चाहिए, हमें दिल्ली से जयपुर वाला रोड नहीं चाहिए। दिल्ली से जयपुर वाला रोड चाहिए जो उद्योगपति है उनको, जिनको अपना माल करनाल से या दिल्ली से लेके जयपुर जाना है, जयपुर से लेके अमृतसर जाना है, उनको मेन हाईवे या एक्सप्रेस वे चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाले रोड चाहिए जहाँ पे हम अपनी बाइक लेके, अपने ट्रैक्टर लेके ये जा सकते हैं। आ गया और पता नहीं लगा कब पंजाब स्टेट में आ गया। मैं तो सोच रहा था कि पहले चीका आएगा, लेकिन चीका तो इस रोड पे नहीं आया। यहाँ से 40 किलोमीटर अभी पटियाला बचा हुआ है। तो एक बार अपना रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, मैप लगाते हैं और मैप के हिसाब से चलेंगे आगे, क्योंकि आगे तो हमें ज़्यादा रास्ते का पता नहीं है। तो जल्दी से मैप लगाते हैं। तो मौसम भी थोड़ा सा ख़राब होता दिख रहा है, जाते हुए बारिश नहीं होनी चाहिए, आते हुए भी सच्चे हो जाए, क्योंकि आते हुए तो फिर मैं भीगता हुआ चलूँगा, भीगने में भी अलग से ही मजा है। दोस्तों यहाँ से पटियाला 40 किलोमीटर आ गया और पंजाब के अंदर अपनी एंट्री हो गई है। मैं सोच रहा था कि बीच में चीका आएगा, लेकिन चीका तो अभी नहीं आया। चीका तो थोड़ी दूर है अभी यहाँ से, और वो खड़ी अपनी टमटम आज अपनी डिस्कवर पे जा रहे हैं। और अभी भी लगभग कोई हमारा आधा रह गया है, 100 किलोमीटर के आसपास हमारा अभी भी बचा हुआ है, लगभग कोई 2 से 2.5 घंटे दिखा रहे हैं। और ये बीच में थोड़ा सा रोड थोड़ा ख़राब आ गया है, अगर ये रोड भी ठीक होता तो हम लगभग वही 20 मिनट पहले पहुँच जाते। और ये देख लो पंजाब में भी जीरी, अब ये शायद मोटे वाली जीरी है। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रुका हूँ, क्योंकि अपनी जो बाइक है उसको इतना लंबा चलने की आदत नहीं है, कभी भी हाथ खड़े कर दे कि अब मेरे से नहीं होगा, तो इसलिए पहले थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, 10 मिनट का रेस्ट लेके उसके बाद यहाँ से चलते हैं फिर आगे के लिए। और टाइम बता देता हूँ आप लोगों को, टाइम 7:23 हो चुकी है, तो लगभग कोई 7:23 और 2 घंटे 9, ये वही 10 बजे का एस्टिमेट में लगा के चलता हूँ, तो 10 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। और लगभग कोई 1.5-2 घंटे होने वाले हमें घर से चले हुए। 15 मिनट का रेस्ट करके अपनी बाइक को 15 मिनट रेस्ट कराने के बाद, थोड़ी ठंडी करने के बाद दोबारा चल पड़े हैं। अब सूर्यदेव का प्रकाश भी बढ़ता हुआ, थोड़ी गर्मी का एहसास हो जाएगा अब। और यहाँ से लगभग कोई 100 किलोमीटर हमारा रास्ता, पहले पटियाला, 40 किलोमीटर उससे आके फिर मलेरकोटला। और मैं तो घर वालों को भी बता के नहीं आया था कि आज मैं 200 किलोमीटर जा रहा हूँ, वो भी सोच रहे हैं कि आसपास में ही है कहीं पे। अगर जब उनको पता लगे, जब वीडियो देखेंगे कि 200 किलोमीटर आधे लोग मेरे को पागल ही बोल देंगे। मैं कह रहा था कि आधे लोग तो हम मेरे को पागल बोलेंगे, इतनी दूर से यहाँ से मंगवा लेता, यहाँ से बनवा लेता, क्या करे, जब प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। राइडिंग गुरु जी चल रहा लाइव? हाँ वीडियो बना रही है भाई। कब पाऊंगे वीडियो? 2-3 दिन के बाद पाऊंगा भाई। जी भाई सर आया, कैमरा चल रहा भाई, वीडियो 2-3 दिन बाद पाऊंगा भाई। ये ठीक है भाई, पेट्रोल डलवा लिया। और यहाँ पे कुछ भाई तो खुश हो गए कैमरे को देख के, कैमरा चीज़ ही ऐसी है, कई लोग तो पूरे खुश हो जाते हैं, कहीं नर्वस हो जाते हैं, पर कहीं थोड़े से नाराज भी हो जाते हैं। मिनट अपना और बाइक का रेस्ट करने के बाद चल पड़े हैं फिर अपनी मंजिल की तरफ, जो यहाँ से लगभग कोई 70 किलोमीटर है, तो 70 किलोमीटर तक खींचते हैं। और एक आप लोगों को सामने ट्यूबवेल पे दिख रहा है कनाडा का झंडा, क्या ये सही है? ये आपको हरियाणा में भी दिखेगा, पंजाब में थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि पंजाब के लोग कनाडा में थोड़े ज़्यादा हैं। क्या यहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा नहीं होना चाहिए था? तो अपनी डेस्टिनेशन है ये सिर्फ 8 मिनट 9 मिनट, और यहाँ से है 4.6 किलोमीटर, तो 8 से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस लिए आए हैं, और टाइम भी 10 बजने वाले हैं, सुबह लगभग कोई 5:45 बजे के आसपास मैं घर से निकल गया था।
तो 4 घंटे से ऊपर लगे हैं भाई, 4 घंटे। बीच में 2-3 स्टॉपेज भी ली है क्योंकि अपनी बाइक का भी ध्यान रखना था। दूसरा फिर बीच में 30-40 किलोमीटर का रोड जो टूटा हुआ था थोड़ा, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। फिर बीच में मैं मान के चल ही रहा था कि अगर मैं 6 बजे निकलता हूँ तो आराम से 10 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा। लो जी देखते हैं जहाँ पहुँचना था वहाँ सही से पहुँच गए हैं या नहीं, क्योंकि पूरी तरह से गूगल के भरोसे चल रहा था। तो 700 मीटर पे है, देखते हैं कि ठीक ठाक पहुँचे हैं या गूगल ने घुमा रखा है। अगर घुमा दिया होगा तो बहुत लंबा घुमा दिया होगा, लगभग कोई 50-100 किलोमीटर है। ये जगह 1000 पंजाबी में लिखा हुआ है, समझ में आती नहीं जगह क्या। हाँ आ तो गया वही जहाँ पे मेरे को आना चाहिए था। नमस्कार जी, कैसे हो सर? नमस्कार जी, हरियाणा से एक मेरी ट्रॉली थी बाइक वाली, क्या था ये कोई और पार्टी है जो ये भी बनाती है, वो दूसरी पार्टी है वहाँ पे। तो यहाँ से शायद रोड जाएगा, ये बड़ा रोड शायद, ये बड़ा रोड मिल्क आइसक्रीम, ये हाँ वो कड़ी शायद। शायद यहाँ पे वो अलग पार्टी थी, ये अलग पार्टी है। तो यहाँ से हमने लेना है चला गुरु। फाइनली पहुँच गया हूँ वहाँ पे जहाँ से हमने अपनी ट्रॉली लेनी है। यहाँ पे कुछ ट्रॉली और कुछ सामान खड़ा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो जी ये कुछ ट्रॉली है, ये विदाउट टायर होती है, जो अगले वाला टायर नहीं होता जैसे स्पोर्ट्स से, और ये 3 टायर वाली होती है, और हमारे वाली कहीं और खड़ी है इधर। तो दोस्तों अपने वाली ट्रॉली ये रही, ये अपनी ट्रॉली है 6x3.5 की, और ये इसमें चादर यूज़ की गई है, ये टाटा की चादर यूज़ की है जी, और नीचे स्पोर्ट है जी इसकी पूरी। तो जी इस ट्रॉली के बारे में थोड़ी सी भाजी से बात करते हैं, ये बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या खासियत है, हमें तो ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, हमने तो सिर्फ इंस्टाग्राम पर देखी और यहाँ पर लेने के लिए आ गए हैं। एक बार पाजी इसके बारे में बताओ थोड़ा, ट्रॉली में क्या क्या इसकी खासियत है? एक खासियत है ये इसका साइज जो है 3.5x6 फुट है लंबाई इसकी, ठीक है? ठीक है जी। थले इसके चैनल लगा हुआ है, नीचे वाला नीचे चैनल लगा हुआ है, सारा चैनल नीचे हैवी लगा हुआ, ठीक है। जो आगे वाला टायर है वो ऑटो का है, ऑटो कंपनी आता है जो केरला का आता है ना, वो लगा हुआ है। इसकी जो हब भी है वो भी CNC मशीन बनाई है कंप्यूटर पर। इसका जो वो जो साफ्टा है वो भी CNC में बढ़िया है। इसके बड़े बैरिंग पाए हुए हैं 7 नंबर के, 3207 के, ठीक है। अगर पिछले वाला दुरा है वो है जैन गड्डी का, हाँ जैन का एक्सल है जैन गड्डी का, ठीक है। हाँ 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 ये, और इसका जो है ये स्पोर्ट करी है डाई बढ़ा के, चलने की पूरी हुआ। इसके ये लॉक भी खुलते हैं, इसके लॉक सारे लॉक लुक लगे हुए हैं। ये सिस्टम ठीक है जी, हाँ निकल जाएगा पंगा, ये उनसे आएगा ना, अब जो आर लंबी है जैसे, हाँ हाँ तो पीछे नहीं, हाँ हाँ पीछे नहीं जमीन पर लगती नहीं है, हाँ हाँ पीछे नहीं आएगी। इसकी ये खूबी है चलने में कोई परेशानी नहीं है, पूरी सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, ठीक है। हाँ तो चलो अपनी बाइक पे हुक लगवा लेते हैं। उसके बाद फिर ये शोरूम भी है जिनका, ये जो जगह है इसका नाम है कंगनवाल, जो जिला मलेरकोटला, वहाँ पे मेजर सिंह की, और ये शोरूम पे यहाँ पे जो सामान रखा है ये एक बार मेरे साहब से पूछते हैं। ये एक अपने कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर जो पावर वाले चलते हैं कल्टीवेटर, 11 के जॉन डियर है, महिंद्रा है, ये बैग ट्राली है 3 टायर वाली,
तीन टायर वाली है जो बहुत अच्छी चलती है, बैक टू पीछे कोई झटका नहीं, कोई कैसे नहीं है ना, सारा कुछ ठीक चलती है। तो ये टोका मशीन है, चैप कटर बोलते हैं इसको, इसका भी बहुत बेनिफिट है। ये ऊपर वाला टापा है, ये गलता नहीं है, ये फाइबर का है, ये भी है। इसकी नीचे ट्रे लगी है, नीचे टायर भी लगे हुए हैं, आसे पासे का ऐसे कर सकते हैं इसको। यहाँ मोटर स्टैंड है इसका लगा हुआ, ये बिना मोटर से मिल जाएगी। बीस में एक चीज लगा रहा, एक चीज इसके अंदर लगा रखी है, इसके पीछे ना घास पीछे नहीं जाएगा, तो हाँ, पीछे नहीं जाएगा, वो सिर्फ आगे आएगा, आगे आएगा, इससे पीछे नहीं, इससे पीछे नहीं जाएगा, सिर्फ आगे रहेगा, सिर्फ आगे आगे आएगा। इसका एक थोड़ा सा मेरे को फायदा दिख रहा है। हाँ, बहुत बेनिफिट है। और ये क्या चीज है जी? ये है गोबर वाली ट्राली है। अच्छा, डायरी वगैरह? हाँ, डायरी वाली लगता है, डायरी में गोबर वोबर छोड़ते हैं उसको, ऐसे इसके लॉक वाली बोलते हैं, ऐसे हो जाती है। लेट के काम आसान कर दिया जी आपने। हाँ, बहुत काम आसान कर दिया। इसमें डालो को जो लेबर नहीं मिलती है, ये का बनाया हमने, फाइबर का बनाया है, प्लस कर गलता नहीं है, खराब नहीं होता है, खराब नहीं होता। ये भी थोड़ा है ऐसे है, सारा कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी है, कोई घबराने की लोड़ नहीं है। रेट भी बिल्कुल सस्ता है, ऐसी महंगा नहीं है, सस्ता है, बहुत सस्ती ट्राली मिल जाती है। मेजर सिंह कंगड़वाल, जिला मलेरकोटला में। ये गुरु साहिबान है जी, जिनको मानते हैं, और ये अपना खाना आ गया। सरदार जी ने हमारे लिए खाना मंगवा दिया, क्योंकि कह रहे सुबह जल्दी निकले थे, क्यों कह रहे हैं कि सुबह जल्दी निकले थे तो खाना तो खा के जाना पड़ेगा, तो अभी पहले खाना खाते हैं उसके बाद चलते हैं। तो ये अपनी बाइक पे हुक लग गई है, ये देखो, और बिल्कुल ऐसी लगा दी है, दूर से दिख भी नहीं रही है, देखो बिल्कुल अच्छी। यहाँ पे ऐसे करके टुच मार के, यहाँ पे ये नाम है, देखो पंजाबी है लिखा हुआ है, मेरे को तो ज़्यादा समझ नहीं आती पंजाबी। ये दुकान है, और ये यहाँ पे फैक्ट्री जहाँ पे मेजर साहब जी, यहाँ पे आपको मिलेंगे जब भी आप आओ। इधर से रास्ता है, श्रृंगार किया जा रहा है अपनी गाड़ी का। धन्यवाद। हेलो जी, अपनी ट्रॉली लेके चल पड़े हैं, और अब स्पीड रहेगी अपनी 30 से 40 की, 200 किलोमीटर है तो मान के चलो कि 6 घंटे लग जाएंगे आराम से। शीशे में अपनी ट्रॉली दिखती रहेगी, अपनी शॉर्ट वीडियो बनवा ली है, सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया ट्रॉली के बारे में, और बस मोड़ों पे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, और आराम से ही चलना पड़ेगा। ये शोरूम है, ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये उन्हीं का है, और यहाँ पे एक और बंदे की है, और आप इनको ना फ़ोन करके अगर आप कुछ अपनी स्पेशल बनवाना चाहते हो, कुछ टायर वगैरह कुछ अलग से डलवाना चाहते हो, तो वो भी डलवा सकते हो। तो मेरे को थोड़ा सा डर तो लग रहा है जाते हुए कि कैसे जाया जाए। अब देखो यहाँ पे एक ट्रोली खड़ी है, पहले मैं यहीं पे घुस गया था, एक बड़ी ट्रोली खड़ी थी यहाँ पे, जिसे फुटकी है, देखो ये इन्होंने टायर थोड़े से और भी ज़्यादा मोटे डलवा रखे हैं, देखो यहाँ पे, और ये इधर इनकी दुकान है। तो मेन का भी एक विजिटिंग कार्ड की फ़ोटो आपके सामने आ रही होगी, वो भी लगेगी, वो भी देख लेना, और उनकी तो मैं लगाई दूंगा, जिनसे बात की है सारा मैं कुछ दे ही दूंगा डिटेल, बाकी आपको जिससे भी बात करनी है आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी जहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब काम बढ़ गया है मेरा, देखते हैं कि कितनी स्पीड में चल पाता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत आती है मोड़ों पे, क्योंकि एकदम से कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे रोड टूटे हुए हैं यहाँ पे। देखो अभी तक तो मेरे को चलाने में काफ़ी अच्छी लग रही है, कुछ भी थोड़ा सा भी झोंक वगैरह ज़्यादा नहीं लग रहा। अब मेरे को ज़्यादा पता नहीं लग रहा है कि बाइक चल रही है, कि मैं इधर से ही आया था क्या? इधर से तो नहीं आया था मैं, शायद आया तो उधर से था यार, मैं गलत घुस गए हैं बाबू, या बाबू भैया गलत घुस गए हैं, यहाँ से नहीं आया था मैं, इस उधर से आया था। बात करते करते कैमरे में मेरे को ध्यान नहीं रहा, देखो छोटे से रास्ते से घुमा दिया बाइक, देखो घूम गई ना, छोटा सा रास्ता है ये,
उधर से आया था शायद, मैं उधर से बात करते करते ना रेड की खासियत बताते बताते घूम ही हो गया था। जब ये टूटा हुआ रास्ता है तब याद आया, अरे मैं तो साफ से रास्ते से आया था, यहाँ कैसे आ गया मैं एकदम से, शायद वहाँ से आया था मैं ऊपर से। ये गांव है खंगरवाल, गांव का नाम है। देखो दोस्तों सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम में कितना फायदा हो गया, कहाँ से मैं 200 किलोमीटर से यहाँ लेने के लिए आया हूँ सिर्फ सोशल मीडिया देख के। ये रास्ता था यहाँ से जाना रास्ता, यहाँ वो तो मैं गलत चला गया था सीधा सीधा बात करते करते। हाँ मैं क्या कह रहा था कि कितना फ़ायदा है सोशल मीडिया का, 200 किलोमीटर में सिर्फ ये देख के आ गया कि ट्रेन ले लेनी है यहाँ पे। 10:15 बजे मैं यहाँ पे आ गया था, वो लगभग कोई 1.5 से 2 घंटा लगा इनको हुकर लगाने में, पेंट करने में, फिर सारे नट वगैरह चेक करवाए ट्रेली के, तो सारा कुछ तैयार करने में 2 घंटे लगे। इतनी देर में मैंने एक चाय पी, वो सरदार जी ने मेरे लिए खाना बनवा दिया, कह रहा काफ़ी देर से चल रहे हो गए तो इसलिए खाना बनो खा के अभी भी कर देगी चाय पी लो क्या और मगर नहीं जी, बस अब तो कहीं रास्ते में पीऊँगा या फिर घर जाके पीऊँगा, और तो बस सीधा घर जाना है। कितने घंटे लगते हैं देखते हैं आज, बस अब मैं जाते हुए रास्ते में कैमरा उतार के बैग में डाल दूंगा, आपको सिर्फ 360 के शॉट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लेने हैं, देखते हैं कैसे ले जाएंगे पूरी ट्रॉली के सारे। काफ़ी ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लंबी चला रहा हूँ मैं, एक्साइटेड सा हो रहा हूँ इसको देख के चला के, क्योंकि बिल्कुल देखो मैं अभी यही कार से चला रहा हूँ, कुछ ज़्यादा मेरे को पता लग नहीं रहा कि गाड़ी कुछ ज़्यादा रोक मार या कुछ भी है, बाकी क्वालिटी का तो पता चलेगा जब थोड़े दिन इसको यूज़ कर लेंगे कि चादर कैसी है या कुछ भी, लेकिन बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी है फिलहाल तो। मेरे को बिल्कुल भी पता लग ही नहीं रहा कि मैं खाली हूँ या ट्रॉली साथ में है, एक बार लोडिंग करके पता लगेगा कल घास लेके आएंगे तब कि कितना जोर पड़ता है। क्या बोलती हो, क्या बोलती है पब्लिक, बदल भी आ गए हैं, कल इसका फिर टेस्ट लेंगे खेत में, उससे पहले घर पहुँचना है। यहाँ रुके कोक पी लेते हैं उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। पब्लिक रिएक्शन देख लो भाई। हाँ जी चलो चलो साथ में बस जी धन्यवाद जी, घास खेत में घास ले आऊंगा जी, गोबर ले जाऊंगा। चलो जी रुके कोल्ड ड्रिंक पी ली है और थोड़ी सी देर बात कर ली है, और भाई पब्लिक रिएक्शन पूरा जबरदस्त है इसका, ट्रोली का तो पब्लिक रिएक्शन है ही जबरदस्त। दूसरा लोग इतनी दूर से, जैसे गांव में बोलते हैं इतनी दूर, वो इसलिए आप बोलते इतनी दूर से, वहाँ नहीं बताता कोई, वो क्या बताऊँ यार। चलो जब कैनन में बात करूँगा तो बताऊँगा आप लोग क्या बात है इतनी दूर से क्यों, क्योंकि तो पत्थर ये रख के देखता हूँ। बहुत वजन था यार इस छोटा सा पत्थर में, एक और देखता हूँ वो छोटा सा मिल जाए तो है। ये 1500 की क्या जी बड़ी ये मलेर कोटला से आगे गाँव है जाओगे करनाल कितना की तैयार कर दी भाई 1500 की तैयार करी कराई मिलेगी एक करवाई जा रहा फोन कर दिया ना तैयार पहले ही कर करो फोन कर दिया करनाल में कितोड़ जाओगे यहां ऊपर ठीक ला ये इसका आप करनाल के पास गौड़ी पर गांव है। अच्छा ये उस रोड पर हां मुणक ना मुणक रोड पर कथे चलते जाओ ना अच्छा ठीक हां ये पर ठीक है भाई आप कहां था वो बस ऑनलाइन आई थी उसकी इंस्टाग्राम पे करनाल भी देखी मैंने कही जगह फिर ठीक सी कौन लागी माइक ये कैमरा भाई चैनल का नाम राइडिंग गुरु जी यूट्यूब पे गुरु जी अच्छा कितने की है अपनी
हाँ ये भी साढ़े 300 की है। और फिर एक चक्कर और है, इसका डंडा को नहीं बचता, वो प्रणाली का एक फुट और बच गया। अच्छा पीछे बच गया। और टायर कौन से है उसमें पीछे? अच्छा यही है, ठीक है। करनाल वो दूसरे बाइक वाले टायर डाला, इसलिए मैंने वहां से नहीं बनवाई ना वो काम ही। हाँ बाइक वाले कौन सी का, वो तो लचर पचर से रहा है। बाकी देखेंगे चला के किधर होगी, चलता थोड़ी नरम सी लगा वो अपना फेटा। देख सारे बंदे तो फिर ठीक बनाई है ऐसी, मतलब 5000 रुपये महंगी है वो है, ऐसी 5000 रुपये महंगी है वो। ਰਾਮਨ ਪੁੱਤਰ ਧਰ ਲਈ ਮਾਗਾ ਤੁਸਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹੀਂ ਜਗਾ ਰੰਗ ਤਾਰ ਦੀ ਉਤਰੇ 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 ਰੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਣਾ ਰੰਗ ਤਾਰ ਹਾਂ ਇਸਨ ਜੋੜ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਮਤ ਤੀਨ ਸਾਈਡ ਮਾ ਤੀਨ ਪਿੱਛਾ ਸੇ ਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾ ਹਰ ਤੀਨ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਮਾ ਆਠ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਦੋ ਉੱਪਰ ਧਰ ਲੈ ਜਾ ਤੀਨ ਧਰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਕਾ ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਾ ਰੱਖਿਓ ਵੇ ਇਸਕਾ चोट मान के थोड़ा रेत लिसाना पड़ेगा बन रही है इसमें तो यो बड़ा बारे में तो आया होगा पहला तो मगर बटा कर मारने का ना कवर आयो हैं आऊं को मिला के दी उसी में लगा के दी 20000 पर इसमें 21000 में हां नीचे 100 रुपए ले मैं इसके और बाहर लूंगा थोड़ी मैं सही तैयार कर ही जाऊंगी। दो डर लेना दो जुआर की खड़ी आवा मैं गोबर चला जाऊंगा दो तहाड़े खेत पलड़ गेर के पलड़ सुनवाएगा इसका शीशे का वो कर लेंगे। एक और था उसके तो वो थोड़ी सी और मजबूत दिखावे था उसके बराबर फिर मैं थोड़ा सा पहले 2000 रुपये दी रेट का इतना ही था बस उसका मैंने ना ऑनलाइन 2000 रुपये दी थी पहले ही। हाँ वो थोड़ी और मैंने उसमें टायर थोड़ी और पोटेटो लगा रखे थे किसी ने पर्सनल त्याग वगैरह रखी थी चादर भी और थोड़ी भारी थी टायर और थोड़े बड़े वाले थे क्या के कौन सी थे। हाँ पब्लिक रिएक्शन तो काफ़ी अच्छा है, लोग रोकते हैं जिनको चाहिए माल ले जिनको पता ही नहीं चीज़ का वो तो क्या करेंगे भाई, लेकिन लोग रोक रहे हैं पूछते हैं रोक के। अभी भी 6 का 20 किलोमीटर है उसके बाद फिर अपना हो जाएंगे करनाल वाले रास्ते में पेवा पेवा से अपना करना। जी शायद हरियाणा की चौंकी है भाई ये बॉर्डर है गगन नदी क्रॉस कर दी क्रॉस करके अभी 6 का 5 किलोमीटर है यहाँ से और आजकल तो चेकिंग पूरी दबा के चल रही होगी क्योंकि इलेक्शन है ना।
21,000 के जी के। हाँ इतना जबरदस्त है, अगर पूरी वीडियो बनाता ना तो 6 घंटे की वीडियो बन जाती। कोई हर बहुत लोगों तो मेरे को रोक रोक के पूछे हैं, जबरदस्त इसका रिएक्शन है। वो थोड़ा पत्थर डाली थी तो उससे पेंट थोड़ा ख़राब हो गया है, एक पेंट किट भी लेके आनी पड़ेगी भैया की, तो उससे थोड़ा पेंट करना पड़ेगा। तो बाकी हर कोई ये बोला इतनी दूर से क्यों लेके आया, गाँव में बोलते हैं बाहर ही बोल रहे हैं। तो एक क्या होता ना, जब दिल आया गद्दी पे तो परी क्या चीज़ है, मैंने बोल गया ना लाइव उल्टी हो गई है, जब दिल आया परी पे तो परी क्या। ठीक है भाई, भाई के दो रहे बादाम शेक भी लिया, बढ़िया बना रखा था। और यहाँ से अगर अंदर चले जाएंगे तो चले जाएंगे पेवा, हमें जाना बाहर से, और पेवा के ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे हिसार रोड से, और बिल्कुल कोने पे भाई ने लगा रखी है, राजस्थान से है। और जितने भी आपको हरियाणा में मिलेंगे बंदे जो भी बादाम शेक का जो सोपी वगैरह का काम करते हैं वो सब राजस्थान से होते हैं मोस्टली, सब तो नहीं मोस्टली। अभी यहाँ से लगभग कोई 60 किलोमीटर है, मान के चलो कि 1 घंटा, नहीं सॉरी ज़्यादा, कम से कम 3 घंटे और लग जाएंगे, 3 नहीं तो 2 तो बिल्कुल खड़े हैं। अरे और अंदर से जा सकते हैं लेकिन मैं तो बाहर से ले रहा हूँ यार, कहीं ना कहीं तो लग गई ना किसी को, फंस जाऊंगा कहीं ना कहीं। भाई को बाय बाय कर दी और यहाँ से चलते हैं अब हिस्सा। अब थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा पेवा से, क्योंकि शहर के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, कहीं शहर के अंदर घुस ना जाऊं। ओहो ये नहर किनारे देख तो लूं, ठीक चल भी रहा हूँ, नहीं ठीक है 60 किलोमीटर है, फोन तो दिखा रहा है 1 घंटा और 14 मिनट, लेकिन ये सुबह से गलत दिखा रहा है, क्योंकि ये लेके चल रहा 50 से 60 की स्पीड, और स्पीड रहती है 30 की 30 या 30-35, हद मार के 40 नहीं जाती पर 30-35 ही रहती है, उसे ऊपर नहीं जाती। तो 2 घंटे तो वैसे ही लग जाएंगे। तो अभी टाइम हो गया 5:04, तो 7:04 हो जाएगी, 7:30 बजे के आसपास तक पहुंच जाऊंगा। और एक गड़बड़ मैंने कर भी दी है, वैसे मैंने ट्रॉली में जो पत्थर डाले थे उससे थोड़ा पेंट खराब हो गया है, अब घर वाले जाते हैं मेरे को 4 गाड़ियाँ सुनाएंगे, आने से पहले ही कह रहे मुझे कर दिया, अब उनको थोड़ा सा गोली देनी पड़ेगी कि ये थोड़ा सा नजर ना लग जाए, इसलिए ठीक है। हमने 1.5 किलोमीटर के बाद टर्न लेना है नदी के किनारे।
अम्बाला चंडीगढ़ इस्माइलाबाद पटियाला इधर से और करनाल डांड कुछ कैथल इधर से और जाते हुए मैं इसे ही गया था। ये जो टेम्परेरी बनाया हुआ है जब उस भाई को मैंने यहाँ से बिठाया था और थोड़ा सा गलत चला गया था, यहीं से गया था, यहाँ से कार वगैरह लड़ो क्योंकि टेम्परेरी ब्रिज बना रखा है। अभी ब्रिज बन रहा है, उसके बाद थोड़ा सा काम ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अभी डांड करनाल सीधा कुक्षेत्र यमुनानगर हरिद्वार के लिए साइड से आज करनाल है, इसलिए थोड़ी सी मार्केट में भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लक्ष्य तो उसके साथ पूरा खेल रहा है, कभी आगे कभी पीछे और उधर भी पूरे ठीक है। माँ कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। और मैं भी अभी थोड़ा सा नहा लेता हूँ क्योंकि हालत पूरी खराब हो गई है। इधर से देखो हालत बहुत खराब हो गई है। सुबह 5 बजे घर से निकला था और अभी देखो क्या टाइम हो गया है, 8 ही बज गए हैं और पूरी हालत ख़राब है। लगभग 7 से 8 घंटे में आया हूँ घर पे, 12 बजे चला था वहाँ से और यहाँ पे 7:30 बजे पहुँचा हूँ। अच्छा।